बसिया में दखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा बिकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिउर लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय। जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनु एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। शाम के बजे हैं 4 और 4 बजते दोबारा से काम की तैयारी स्टार्ट हो गई है। रेस्ट करना था वो कर चुके। और यहाँ से देखो मैंने दूसरी गैस हटा दी। यहाँ पे एक चूल्हा रखा था ना, एक इधर रखा था और एक इधर रख दिया था, तो इधर वाला हटा दिया। अभी यहाँ पर सामान रखा है, मार्केट जाके आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो ये सारा सामान ख़त्म हो गया था। काफ़ी मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है, छोटी मोटी छोटी मोटी वो ख़त्म हो रखी थी, वो लेके आए। एक ये आलू प्याज भी लेके आए हैं। और आज सब्जी बनाने वाले हैं बेसन गट्टे की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डेट है आज 22 जनवरी, 22 की शाम के 4 बजे हैं। तो और एक हाँ, हमारे यहाँ धूप निकली है, अच्छी वाली धूप निकली है, लेकिन ना लेट निकली। हुआ सी आ रही है, आज सोई नहीं मैं, मार्केट चले गए ना दोपहर में, आराम करने के टाइम भी नहीं। मैं रोज आधे घंटे तो आजकल सोई जाती हूँ, जबरदस्ती जाके बिस्तर में घुस जाती हूँ, नींद आ जाती है। तो यहाँ पे अब करेंगे शाम की रूटीन स्टार्ट। आज बनाऊंगी मैं बेसन गट्टे की सब्जी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी रेसिपी। राजस्थानी बेसन गट्टे की पारंपरिक विधि से बेसन गट्टे की सब्जी बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो लाइक करना, मतलब सब्जी तो अच्छी बनेगी, ये तो मैं कन्फर्म बता सकती हूँ आपको, बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। आप लोग इसी रेसिपी से ट्राई करना, ठीक है? मैं हमेशा बनाती हूँ अपने टिफिन सेंटर में भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेसन गट्टे की देखो इसको भी बसी आई मेरे को भी आ गई। तो बेसन आ चुका है अपना, अब फटाफट से लग जाते हैं इस सामान को, अरेंज भी कर देते हैं और सब्जी बनाने भी लग जाते हैं, ठीक है? तो जी यहाँ पर मेरा जो छोटा मोटा काम था वो सारा फिनिश हो चुका है। मैंने दाल चढ़ा दी है, और दाल रखने के बाद में साइड में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है बेसन गट्टे के लिए। और बेसन गट्टे के लिए ले लिया है बेसन। तो आज आपको पता है बेसन गट्टे बनाने वाली हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। तो अब बेसन लेके उसमें हल्दी मिर्ची थोड़ा सा धनिया पाउडर नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल, और तेल डाल करके फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद में फिर इसमें जैसे आटा गूंथते हैं ना ऐसे आटा गूंथ लेंगे। मैंने धनिया पत्ती भी ऐड की है इसमें, मैंने अभी देखा, मैं कभी कभी कर देती हूँ, जैसे धनिया होता है अवेलेबल तो कर देती हूँ, नहीं मेथी पत्ती डाल देती हूँ, तो वो डाल दी है। अब फटाफट से इसका आटा गूंथ लेना है, और नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है। थोड़ा सा हल्का टाइट रख लेना, ज़्यादा टाइट मत करना, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का टाइट रखना है बस। तो ये ज़्यादा 10 मिनट में आटा गूंथ करके हमारा तैयार है।
और बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हैं, बाहर चटाई पे बैठ करके आराम से आटा गूंथा है, वहीं बैठ के ये बेले बनाएंगे। तो बेले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और उधर मैं पानी बॉयल होने के लिए रख के आई थी, जिसको स्लो फ्लेम पे रखा था, जैसे कि वो जल्दी से जब तक मेरे ये बनेंगे तब तक के आराम से मतलब बॉयल हो जाएगा। ये पानी बॉयल हो चुका है, इसमें डाल देंगे ये जो मैंने बनाया अभी। तो गट्टे और बेले, हम लोगों की लोकल लैंग्वेज में हम इसको बेले बोलते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे, और फिर इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्योंकि लो जी, जो बेसन गट्टे थे वो उसमें डाल दिए। कई लोगों के यहाँ पे ना इनको गोल गोल करके बीच में से काट के बनाए जाते हैं, और मेरे यहाँ पे ऐसे बनते हैं। मैं काट के भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे एक बार गुठली बंद कर दी, लेकिन मेरे यहाँ पे जैसे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, टेस्ट मतलब फैमिली को ऐसा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऐसे बनाया। उनको बॉयल होने के बाद में उसमें तड़का लगाएंगे। और आपके यहाँ पे कैसे बनते हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ दिखाओ, उधर मुकर, अगर ऐसे बाल चाहिए ना, ऐसे हैवी बाल चाहिए, कटवा लेती है, ऐसे हैवी बाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका राज बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, इतने हैवी बाल होने का राज मेरे को पता है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर किसी को चाहिए तो ऐसे हैवी बाल। और इधर अपनी सब्जी की तैयारी हो चुकी है, इसको कर देते हैं फुल, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे कर रखा था। अब लगाएंगे तड़का, तो तड़के की तैयारी के लिए लहसुन पीस लेती हूँ और प्याज टमाटर पीस लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तड़का लगाने के लिए ऑयल गर्म हुआ होते ही मैंने हींग जीरा जो है वो डाल दिया है। हींग बेसन की सब्ज़ी में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना नुकसान कर जाती है, तो हींग डालने से परेशानी नहीं होती कोई भी पेट की। तो यहाँ पर मैंने हींग और जीरा डालने के बाद में मैंने डाल दिया इसमें प्याज, जो कि मैंने उसमें कद्दूकस में कद्दूकस करके रखा था, और टमाटर जो है उसकी मैंने प्यूरी बना रखी है। टमाटर को मैंने पीस लिया था मिक्सर में, तो वो भी इसमें डाल दिया है। और प्याज थोड़ी यूज की है, टमाटर ज़्यादा है, क्योंकि प्याज जो है वो महंगी भी है और टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हो रखे हैं, और टमाटर का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे थोड़ी खट्टी खट्टी बनेगी ना। कई लोग इसमें दही भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर ही एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। और आज टिफ़िन जो है वो कम थे, तो कम ही सब्ज़ी बन रही है, उसी हिसाब से बनाया नहीं, बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो ये छोटे वाला पतीला नहीं होता, बड़ा वाला पतीला होता है, पहले के वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दी है, लाल मिर्ची अभी ऐड नहीं की, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चों की निकाल दूंगी पहले। और यहाँ पर जो हमने बेसन गट्टे बॉईल किए थे वो डाल दिए हैं। अब जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए होगा ना, उतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे ग्रेवी देख लूँगी। सब लोग अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी जिनको रखनी होती है वो उसी हिसाब से पानी ऐड करते हैं, तो मैंने भी वही काम किया है। और साइड में मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। दूसरी कढ़ाई में आप देख सकते हो तड़का लगा रही हूँ दाल का, और दाल भी साथ में तैयार होती रहेगी, इधर बेसन गट्टे की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो बच्चों की अभी अभी निकाली थी, उसमें डाल दी है लाल मिर्ची। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, और फिर ये सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। आप खेल ले हो। गिर मत जाना, गिर सकते हो शिवांश, पैर में कंकड़ चुभ जाएंगे। ये देखो मौसम में काफी अंतर आ गया ना, अभी शाम के 6:15 बजने वाले हैं, और ये देखो अभी भी दिन है। पहले 5:30 बजे रात हो जाती थी ना, अभी नहीं हो रही। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, काफी चेंज हो गया, आज धूप निकली थी पूरे दिन इधर, कल पता नहीं कैसा रहेगा, शायद तक अब तो धूप रोज ही निकलेगी अब लग रहा है मेरे को। और अब चलेंगे अंदर, अंदर चल के जो काम करना है वो करेंगे।
तो जी यहाँ पर मैंने सारा जो काम था टिफ़िन पैक करने का वो फिनिश कर दिया। उसको फिनिश करने के बाद में जितने टिफ़िन आए थे दिन के, ये सारे धुल दिए हैं। अब इनको धुल करके चलते हैं अंदर। और अंदर आप देख सकते हैं बच्चे दोनों लगे हुए हैं कुछ लिखने में। तो जो लिख रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आजकल ना जब से हमारे घर में ज्योति आई है तब से भगवान जी का नाम लिया जाने लगा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों बच्चे सीताराम के नाम लिखने बैठे हैं, नैनी भी है और ज्योति भी है। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, हनुमान चालीसा बोली जा रही है। जब तक ये लिखेंगे तब तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा बोली जाएगी। और पता नहीं कितनी बार ये हनुमान चालीसा दिन में रिपीट मोड पर बोल लेते हैं दोनों के दोनों। बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो वही सब यहाँ हो रहा है। और अब भगवान जी के नाम से ये वाला व्लॉग जो है वो स्टार्ट हुआ था और भगवान जी के नाम के साथ ही हम इस व्लॉग की एंडिंग करेंगे। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।